सो हेलो गाइज, मैं हूँ सोमजीत और आप सभी का फिर से मेरे और एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा एल्ट्रॉस का जो XT वेरिएंट आता है, इस वेरिएंट का एक डिटेल वाकरण रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अभी हम लोग पहले इसके की से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दो कीज आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है, लॉक अनलॉक, और आपको यहाँ पर फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का बटन, और आप यहाँ से रेयर बूट को अनलॉक वगैरह कर पाओगे। सो यह है कुछ इसका की, और आपको यहाँ पर पीछे में टाटा का लोगो दिया गया है। अभी गाइज हम लोग इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप फ्रंट से इसका एकदम पूरा लुक वगैरह देख ही सकते हो, काफी बढ़िया लुक्स आपको यहाँ पर टाटा एल्ट्रॉस में देखने के लिए मिल जाता है। हेडलाइट से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर डुअल चैम्बर रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको नीचे में एक स्मॉल पायलट लैम्प, फ्रंट फॉग लाइट्स, और आपको यहाँ पर DRLs आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्रोम का फिनिश आपको एकदम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक में फ्रंट ग्रिल, बीच में न्यू टाटा का लोगो। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू टाटा का लोगो मिल जाता है। फ्रंट बम्पर आपको एकदम पूरा बॉडी कलर में इसका फ्रंट बम्पर्स मिल जाता है, और आपको यहाँ पर इसका डाउन ग्रिल दिया गया है मैट ब्लैक फिनिश में। बोनट में आपको यहाँ पर क्रीज लाइंस, डुअल वाइपर विथ वॉशर का सेटअप आपको टाटा एल्ट्रॉस XT वेरिएंट में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी गाइस हम लोग इस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल से लुक्स देख लेते हैं। सो यह है कुछ साइड प्रोफाइल से लुक ऑफ द टाटा एल्ट्रॉस XT वेरिएंट। स्क्रीन में आपको इसका व्हील बेस और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। अभी हम लोग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पर कुछ इसका व्हील का डिजाइन देख ही सकते हो, और इसका टायर का जो साइज है, ठीक है, वो है 185/60 R16 इंच में रेडियल ट्यूबलेस टायर्स के साथ आपको यहाँ पर स्टाइल्ड रिम्स दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर ऑन द साइड फेंडर, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल फंक्शन के साथ आपको इसका ORVM मिल जाता है। ब्लैक कलर का एक फिनिश आपको यहाँ पर दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक में। डोर ओपनिंग हैंडल विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट सेंसर, बॉडी कलर में आपको इसका डोर ओपनिंग हैंडल मिल जाता है। और यह है कुछ इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल से लुक ऑफ द एल्ट्रॉस XT वेरिएंट। अभी हम लोग इस वेरिएंट का रियर प्रोफाइल से लुक्स देख लेते हैं। आप यहां पर लुक वगैरह देख ही सकते हो, काफी बढ़िया सा लुक आपको यहाँ पर दिया गया है। रियर टेल लैंप्स आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे रियर टेल लाइट्स आपको मिल जाता है, ब्रेक लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर, और आपको यहाँ पर इसका रिवर्स लाइट मिल जाता है। न्यू टाटा का लोगो, एल्ट्रॉस का बैजिंग, और आपको यहाँ पर एक रिवर्स कैमरा दिया गया है। नो वाइपर, ओनली रियर डिफॉगर, ठीक है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ रियर डिफॉगर मिल जाता है। स्पॉयलर टाइप आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक में दो छोटे छोटे मिल जाते हैं। फिन्स टाइप आपको दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, शार्क फिन, सॉरी रियर एंटीना आपको यहाँ पर ऊपर में इसका जो एंटीना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल सा एक एंटीना आपको दिया गया है। रियर बम्पर विथ 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, और आपको यहाँ पर नीचे में दो रेड रिफ्लेक्टर्स आपको दिया गया है। सो ये था गाइस कुछ इसका ओवरऑल एक्सटीरियर से लुक। अभी गाइस हम लोग इसके ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं। सो ये है कुछ इसका, रुकिए पहले करते हैं कार को अनलॉक। सो यह है गाइस कुछ इसका ड्राइवर साइड डोर ट्रिम, आप यहां पर इसका डोर ट्रिम एकदम पूरा देख ही सकते हो, ब्लैक और ऑफ व्हाइट कलर का एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसका डोर ट्रिम मिल जाता है। डोर ओपनिंग हैंडल, ORVM को आप यहां से फोल्ड भी कर पाओगे ऐसे करके, और आप यहां से एडजस्ट कर पाओगे ऐसे करके। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, विंडो लॉक का बटन, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट, स्पीकर का प्लेसमेंट, और आपको यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। डैशबोर्ड आप यहाँ पर एकदम पूरा देख ही सकते हो। अभी हम लोग कार के अंदर में बैठ के आपको यहाँ पर जितने भी फीचर्स कंपनी ऑफर करता है सारे अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स सिट इनसाइड द कार। सो गाइज अभी मैं बैठ चुका हूँ एल्ट्रॉस XT वेरियंट के अंदर। आप यहाँ पर इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड देख ही सकते हो, ऊपर में ब्लैक कलर का फिनिश, और आपको यहाँ पर सैटन सिल्वर कलर का फिनिश, और आपको नीचे में यहाँ पर वही एक ऑफ व्हाइट टाइप कलर के एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसका डैशबोर्ड दिया गया है। अभी हम लोग स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं। सो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कंपनी ऑफर करता है। आपको यहाँ पर म्यूजिक के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के जो जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। हॉर्न आपको कुछ ऐसा एक हॉर्न मिल जाता है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा एक हॉर्न साउंड दिया गया है, और आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM मीटर, MID, और आपको यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर दिया गया है।
और गाइज आपको यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स और आपको यहाँ पर फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स। अभी हम लोग पहले करते हैं कार को ऑन। सो आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, आपको यहाँ पर फ्रंट फॉग लाइट्स का जो बटन है ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको यहाँ पर सेंट्रल लॉक का बटन दिया गया है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर द ड्राइवर। अभी हम लोग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो आपको यहाँ पर एक 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, हैजर्ड लाइट का जो कंट्रोल्स है ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एल्ट्रोस का एक लोगो टाइप आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको नीचे में यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल्स, यूएसबी का पोर्ट और एक टाइप सी फास्ट चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पेन होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है, अब मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर दिया गया है विथ सम डिसेंट स्पेस, डिसेंट नहीं अच्छा ही स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, कप होल्डर्स वगैरह भी आपको इसके मतलब इसमें ही आपको यहाँ पर कप होल्डर्स वगैरह भी मिल जाता है, रियर व्यू मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है, रीडिंग लाइट, माइक, कोड्राइवर साइड सनसेट विद अ स्मॉल वैनिटी मिरर, और आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड सनसेट दिया गया है विद अ टिकट होल्डर। सो गाइस ये था कुछ इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक। अभी हम लोग सीट्स देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लैक फैब्रिक में सीट्स आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी गाइज हम लोग इसका सेकेंड रो देखते हैं। सो गाइज अभी हम लोग इसका सेकेंड रो डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं। सो यह है कुछ इसका सेकेंड रो डोर ट्रिम, वही ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट कलर का एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसका डोर ट्रिम दिया गया है, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट, रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स, डोर ओपनिंग हैंडल, स्पीकर का प्लेसमेंट, और आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। रियर में आपको यहाँ पर वही नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट्स आपको दिया गया है, पर ड्राइवर का जो मतलब ड्राइवर और को ड्राइवर का जो हेडरेस्ट है ठीक है वो आपको यहाँ पर एडजस्टेबल ही कंपनी ऑफर करता है। अभी गाइस हम लोग इस वेरिएंट का बूट देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यह गाइस कुछ इसका बूट स्पेस, आपको यहाँ पर 345 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, पार्शियल ट्रे आपको यहाँ पर दिया गया है, अंदर में आप स्पेस देख ही सकते हो, काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। अभी गाइस हम लोग इस वेरिएंट का जो इंजन है ठीक है, इसका जो पेट्रोल इंजन जो आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पर फ्रंट बोनट को आप यहाँ से ओपन कर पाओगे। अभी हम लोग गाइस इसका इंजन देखते हैं। सो गाइज ये था एक फुल डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू ऑफ टाटा एल्ट्रोस XT वेरिएंट। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।